भारत ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतोल्ला खामनेई के बयान की कड़ी निंदा की है। खामनेई ने एक बयान में कहा कि भारत गाजा और म्यांमार में मुस्लिम समुदाय कष्ट में है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा, हम ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित है और पूरी तरह अस्वीकार्य है। दूसरे देशों की अल्पसंख्यकों के बारे में बात करें तो देशों को पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खामनेई के भारतीय मुसलमानों पर दिए बयान पर सख्त तेवर अपनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान को किसी और के बारे में बात करने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो देश भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद अपने रिकॉर्ड को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, हम भारत के अल्पसंख्यकों को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता के बयान की निंदा करते हैं। ये गलत जानकारी वाले और अस्वीकार्य बयान हैं। अब आइए जानते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने क्या कहा था। खामनेई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, हम यदि म्यांमार, गाजा, भारत या अन्य किसी भी देश में मुसलमानों पर हो रही पीड़ा से आंख मूंद लेते हैं तो हम खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। ये पहली बार नहीं है जब ईरान के नेता ने भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसा बयान दिया हो। 2019 में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था, हम कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों के साथ न्यायोचित सलूक करेगी और इस क्षेत्र में मुसलमानों को दबाने और कुचलने से परहेज करेगी। भारत और ईरान ने हाल ही में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह अपने द्विपक्षीय रिश्ते को और मजबूत किया है। हालांकि खामनेई का ताजा बयान रिश्तों में कड़वड़ाहट घोल सकता है। दोनों देश चाबहार बंदरगाह समझौते को भी आमली जामा पहनाने में जुटे हैं, जो चीन और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह समझौते का भारतीय जवाब माना जाता है। चाबहार पोर्ट के पूरी तरह संचालित होने का सीधा असर पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट पर पड़ेगा। इस बंदरगाह के जरिए भारत का सामान ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान होते हुए सीधे यूरोप पहुंच सकता है। ईरान की सरकार के साथ आम तौर पर भारत के संबंध स्थिर रहे हैं और अफगानिस्तान ने भी इस बार तालिबान भारत के साथ दुश्मनी जैसे संबंध नहीं दिखा रहा। ऐसे में इराक सीरिया के युद्धग्रस्त इस्लामिक स्टेट वाले इलाकों से होकर सामान भेजने या मंगाने के बदले ईरान का रास्ता भारत के लिए कहीं बेहतर है।